अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को घर में नेस्ले जैसा मीठा और गाढ़ा दही जमाने का तरीका तफसील से बताऊंगी। बहुत से लोगों का ये शिकवा होता है कि मलाई वाले दूध का दही अच्छा नहीं जमता, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर कच्चा दूध, जिसे मैंने उबलने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दूध यहाँ पे उबल रहा है, जब इसमें एक जोश आए तो इसकी आंच हम कम कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से काढ़ लेंगे। इस तरह से बस आपने ये करना है कि जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपने बिल्कुल उसी तरह से मेथड को फॉलो करते जाना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसमें जाग बन रही है। थोड़ी देर इस तरह से हम करेंगे और फिर इसको रख देंगे। बस 3 से 4 मिनट जो है वो हमने मुसलसल यही अमल करते रहना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं दूध को उबलते हुए और इसको फेंटते हुए। अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको चूल्हे से हटा लेंगे। दूध हमने उबाल लिया है और जो दूसरा अहम पॉइंट आता है अच्छा दही जमाने का, वो है मिट्टी का बर्तन। आपने ये करना है कि आपने मिट्टी का बर्तन ही इस्तेमाल करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका दही बहुत अच्छा जमे। आप स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन वो भी ऑप्शनल है, और प्लास्टर का बर्तन तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, उसमें दही आपका कभी भी अच्छा नहीं जमेगा। अच्छा, ये कोई इतना कॉस्टली भी नहीं मिलता, 100 रुपीज़ का आपको ईजीली मिल जाएगा। तो चलें अब हम इसमें डालेंगे दूध को, जिसे हमने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उबला हुआ गर्म दूध हम मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे। दूध डालने के बाद अब हम इस तरह से इसको अगेन फेंटेंगे। खूब सारी इसके ऊपर हमने जाग बनानी है। दूध को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये देखें कितनी खूबसूरत इसके ऊपर जाग जमी हुई है। इसी तरह से दूध को होना चाहिए। अब हम इसका टेम्परेचर कूल डाउन करने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और इसका टेम्परेचर हमें किस तरह का चाहिए ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। दूध का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए इसे रखे हुए यहाँ पे आधा घंटा हो गया है। अब हम इसका टेम्परेचर चेक करेंगे। अच्छा, टेम्परेचर चेक करने का तरीकाकार ये है कि आपने यूं करके अपनी फिंगर इसमें डिप करनी है और डिप करके आपने 5 तक काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपका हाथ इसको बर्दाश्त कर ले तो इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर बिल्कुल सेट है और अब ये दूध तैयार है कि हम इससे दही जमा लें। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लिया है ये दही, ये घर का जमा हुआ ताज़ा दही है, ये कल वाला मेरा। आपने बहुत ज़्यादा पुराना दही इस्तेमाल नहीं करना। और ये देखें आप इसकी भी थिकनेस देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा दही जमा हुआ है। अब हम इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा दही लेंगे, ये देखें इतना सा, 1 लीटर दूध के लिए इतना सा दही हमें बस चाहिए। साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमने डालना है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके चंद ड्रॉप्स इधर गिरा देंगे, इस तरह से वक्फे वक्फे से आप इसके चंद ड्रॉप्स गिरा दें। इसके बाद अब हम इसको कवर करेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। मैं इधर ही किचन में ही इसको जमने के लिए रख रही हूँ। आप इसके ऊपर कोई साफ कपड़ा डाल दें, किचन टॉवल है तो वो इसके ऊपर डाल दें और इसको जमने के लिए रख दें। अच्छा, इसको 5 से 6 घंटे लगते हैं दही को जमने के लिए, और इसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। कभी भी आप फ्रिज में रखे बगैर दही इस्तेमाल ना करें, और वो भी इतना टेस्टफुल भी नहीं होता। तो चलें अब 7 घंटे के बाद फिर दोबारा हम हाज़िर होते हैं। 7 घंटे हो गए हैं, अब हम दही को चेक करेंगे और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दही हमारा जम के तैयार हुआ है।
देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें कितना ज़बरदस्त दही हमारा जमा है। आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।